हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्यकांत और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव सूर्य। फ्रेंड्स, अगर आप इंफॉर्मेशन के तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही साबित होगा। फ्रेंड्स, थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। जी हां, अभी आपका चैनल मोनिटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका चैनल मोनिटाइज हो पाएगा और आप इनकम कर पाओगे, लेकिन यूट्यूब से नहीं। फ्रेंड्स, डेली मोशन बोल के अनदर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये जो डेली मोशन जो है इसको फाउंडर है मैक्सिमा सादा। ये जो डेली मोशन शुरू किया गया था 15 मार्च 2005 को पेरिस फ्रांस में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। तो चलिए मैं मेरा पीसी में लेके आपको चलता हूं और वहां से मैं दिखाता हूं कि उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए और सेटिंग्स वगैरह और क्या क्या है, या डेलीगेशन एक्चुअली है क्या, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके बाद गूगल का होम पेज में आ जाइए। यहाँ आप google.com सर्च करके आ सकते हो या गूगल का होम पेज में आपको पहले आना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेली मोशन टाइप करके एंटर कर देना है। तो देख लीजिए, ये ऊपर वाला वेबसाइट डेली मोशन आ गया, इसमें क्लिक करना है आपको। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा डेली मोशन का। तो आपको एकदम से नीचे आना है और यहां पे देख लीजिए एक ऑप्शन है बीकॉम ए पार्टनर, ये वाला, इसमें आपको करना है क्लिक। तो ये आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पे आप चाहो तो सब कुछ देख सकते हो और पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए गेट स्टार्टेड और लॉगिन। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर आपको करना है क्लिक। तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ही इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेरा डिटेल्स भर देता हूँ और मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको ब्लूर कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड में आपको मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर, उसमें एक लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर, उसमें एक नंबर, और एटलीस्ट 1 सिंबल। आपका जो पासवर्ड आप डाल रहे हो वो 8 डिजिट का होना चाहिए, मतलब 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें एक लेटर होना चाहिए और उसमें एक नंबर होना चाहिए और उसमें एक सिंबल होना चाहिए, तब भी आपका पासवर्ड वैध रहेगा। तो मैं डाल देता हूं। उसके बाद यहां पे देख लीजिए एंटर डेट ऑफ बर्थ और यहां पे क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद साइन अप। उसके बाद ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, वी केयर अबाउट योर डाटा प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डाटा एक्सेप्ट टर्म्स। तो ये लोग जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा उसमें एक कोड जाएगा, उस कोड को आपको यहाँ पर एंट्री करना है। आपका रजिस्टर जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पर एंटर किया उसमें एक कोड जाएगा 6 डिजिट का, उसको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे एंटर में क्लिक करना है आपको। तो उसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप चाहो तो ये जो टर्म एंड कंडीशन है इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे देख लीजिए एक्सेप्ट टर्म्स में क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना एकदम से डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगाना है आपको,
उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल का जो बैनर है इनका लगाना पड़ेगा। तो मैं मेरा चैनल बैनर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल नेम डालना पड़ेगा। तो मैं मेरा चैनल नेम ही डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो टैगलाइंस, अगर चैनल का कोई टैगलाइंस होगा तो डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे वहाँ पर जो यूट्यूब में आप डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे, यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए चैनल का यूआरएल, अगर आप ये वाला यूआरएल को चेंज करते हो तो आप एक ही बार चेंज कर सकते हो। सो अगर आप अभी कंफर्म नहीं हुए कि आप किस नाम से मतलब चैनल रखना चाहते हो तो इसको चेंज ना करें, क्योंकि ये एक बार ही होता है। और यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, यहाँ पे वीडियो का लैंग्वेज डाल सकते हो, यहाँ पे कंट्री डाल सकते हो, यहाँ पे फेसबुक यूआरएल, ट्विटर यूआरएल, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट का आप डाल सकते हो। तो चलिए मैं इसको फिलअप कर देता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैं ये सब फिलअप कर दिया हूँ। और एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे जब आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करोगे तब आपका प्रोफाइल पिक्चर का साइज 160x160 पिक्सल का होना चाहिए, और ये जो आपका बैनर है, बैनर का साइज 1920x1080 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद ये सब फिलअप करके इसको सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका दिखाएगा। और यहाँ पे एक बात देख लीजिए, फीचर्ड वीडियो, यहाँ पे आपका जो जब आप यहाँ पे वीडियो अपलोड करोगे तब आप आपका चैनल का मतलब जिस जिस वीडियो आप अपलोड कर रहे होगे यहाँ पर आप अपना 3 वीडियो यहाँ पे आप लगा सकते हो। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अपलोड में क्लिक करने के बाद आप वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एनालिटिक्स दिखाएगा। ये वाला टैब में जब आप क्लिक करोगे तो ये एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये टोटल एनालिटिक्स का पेज दिखाएगा, कितना व्यू है वीक में, आवर में, डेट में, और डेट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। फिलहाल मेरे चैनल तो अभी मैं नया ओपन किया इसीलिए ये कुछ नहीं दिखा रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए चैनल है, यहाँ पे आपका चैनल चैनल का जो बेसिक इन्फो, नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे एडवांस में क्रिएट ए न्यू की वगैरह ये सब दिखाएगा, गूगल ट्रैकिंग आईडी, स्टार्ट, यहाँ पे वेबसाइट आईडी, सब डोमेन्स, लेवल 2 आईडी, ऐसे ही आप लगा सकते हो। ये सब मैं बाद में बात करूँगा, ये एडवांस। और यहाँ पे एम्बेड्स, एम्बेड्स में आप आपका जो वेबसाइट लिंक्स वगैरह को एम्बेड्स कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप एक मतलब वीडियो लगा सकते हो, और यहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक्स वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ पे ये जो टोटल अर्निंग स्टेप्स दिखाएगा, यहाँ पे देख लीजिए दिखा रहा है करेंट बैलेंस 0, पेमेंट ओवरव्यू, पेमेंट कैन ओनली बी रेमिटेड वंस योर बैलेंस रीचेस 100। मतलब जैसे YouTube में $100 के बाद पे आउट आता था, यहाँ पर भी यही सिस्टम है, लेकिन ये जब $100 होगा तब भी आपके पास आएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आवर पेमेंट पॉलिसीज प्लीज विजिट आवर हेल्प सेंटर। और यहाँ पे यू डोंट हैव एनी पास्ट इन्वॉइसेस आर्न एटलीस्ट $100, यानी $100 के बाद आपको पेमेंट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पे आउट मेथड्स यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख लीजिए एड पे आउट्स मेथड, यहाँ पे देख लीजिए आपको ये डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप पेपाल से भी ले सकते हो, मैं ये सब दिखाऊंगा आपको बाद में। चैनल ओपन करना सिखाया, कैसे मतलब जो अवतार इमेज और बैनर इमेज कैसे लगाते हैं, अबाउट सेक्शंस वगैरह के लिए मैं बनाया, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसे अपलोड करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। कि आप अगर इसमें चैनल खोलते हो डेली मोशन में तो वीडियो कैसे अपलोड करोगे, तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स
इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, क्योंकि बोला जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। सो शेयर कीजिए और सभी का केयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।